बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने योगी और मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि योगी सरकार अखिलेश के कामों की षड्यंत्र रचकर जांच के नाम पर प्रेशर बना रही है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों हुए 5 नगर निगमों में निकाय चुनाव में बीजेपी का जनादर घटा है। नरेश उत्तम ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव में सरकार अपने सरकारी अमले का प्रयोग कर रही है और गलत बयानी करके जनता को फिर भ्रमित करना चाहते हैं और नगर निकाय में कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया है। उसके आधार पर आज नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपना उड़न खटोला लेकर पूरे प्रदेश के टाउन एरिया से लेकर महापालिका में दौड़ रहे हैं, तो जन विश्वास घट गया। गोरखपुर के अंदर 39% वोट पड़ा है। 39% वोट कमी बताती है कि मोदी और योगी सरकार से गोरखपुर की जनता का ध्यान हट गया। 39% केवल मतदान हुआ मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में। इस तरीके से इस नगर निकाय के चुनाव में सरकार अपने सरकारी अमले का उपयोग कर रही है और गलत बयानी करके जनता को फिर भ्रमित करना चाहते हैं और नगर निकाय में कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया है। अभी जो कल चुनाव हुआ है 5 नगर निगमों का, इनमें सब जगह ये पीछे है लेकिन बयान में आगे है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ गया कल है कि 5 हम ही जीतेंगे और इतनी टाउन एरिया जीत जाएंगे। 20 टाउन एरिया केवल दिया है विपक्ष को निर्दल, बाकी सब ले लिया उन्होंने अपने पास। तो या तो फिर मशीन में गड़बड़ी कर दिया नगर निगम के चुनाव में, क्योंकि पहले भी ये लोकसभा के विधानसभा के पहले भी कहते थे 300 आंकड़ा पार, अब की बार अब फिर कहने लगे। नगर निगम का चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहा है और टाउन एरिया नगर पालिका का चुनाव बैलेट पेपर। हम लोग पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले, लोकसभा के चुनाव के पहले भी कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि वीवीपैट लगी हुई मशीनों से चुनाव कराए, लेकिन वीवीपैट मशीनों से चुनाव 2017 में नहीं हुआ। जहां वीवीपैट मशीन लगी वहां विपक्ष जीता और जहां वीवीपैट मशीन नहीं लगी वहां बीजेपी जीत गई। अब हम लोगों को कहने लगे विज्ञानी बल्ली खंभन होते। हमने कहा इसी वीवीपैट लगी मशीन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, तो सरकार का कर्तव्य है कि चुनाव आयोग से उसकी प्रबंध करावे और वीवीपैट लगा करके मशीनों से चुनाव करावे, नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। यदि आप 655 टाउन एरिया नगर पालिका का चुनाव आप बैलेट पेपर से करा सकते हैं, तो 16 नगर निगम के चुनाव 1200 लोग ज्यादा आपको पाते, इनका भी चुनाव कराते। खैर नहीं कराया, लेकिन कल कानपुर में उंगली उठी, ये कानपुर से लेकर कई शहरों में उठा, मेरठ में भी उठी। इस पर शंका पब्लिक को फिर शुरू हो गई और अभी 4-5 महीने पहले जब ईवीएम मशीन के बारे में चर्चा हुई पूरे प्रदेश के मीडिया ने, पूरे देश के मीडिया भाइयों ने किया, तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब जो भी चुनाव होगा वो चुनाव वीवीपैट लगी हुई मशीनों से होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर या अन्य राज्यों में बिना वीवीपैट के चुनाव हो रहा है। तो इस देश में संविधान सम्मत काम नहीं हो रहा। चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, लेकिन सरकारी लापरवाही, सरकारी साजिश से इन चुनाव को भी प्रभावित करने का काम किया जा रहा है, लेकिन जनता का ध्यान माननीय अखिलेश यादव जी के अच्छे कामों की तरफ बढ़ा। हर जगह हम लोग जा रहे हैं, जिस तरीके का जन समर्थन माननीय अखिलेश यादव की साइकिल के प्रत्याशियों को मिल रहा है, उससे स्पष्ट जाहिर है कि बरेली में नगर निगम का चुनाव सभी पार्षदों सहित समाजवादी पार्टी जीतेगी। बरेली से अख्तर रजा खान की रिपोर्ट।